जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर के दौरान गुजरात के राजकोट से एक हैरान करने वाली घटना सामने निकल कर आ रही है। यहाँ एक सौतेले पिता ने 2.5 वर्षीय बेटी के रोने से नाराज होकर हत्या वाली घटना को अंजाम दिया है और फिर सबूत छुपाने के लिए झाड़ियों में डाल आया था। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, इसमें वह बेटी को ले जाते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद उसने पत्नी को बेटी के लापता होने की झूठी कहानी सुनाई और तलाश शुरू कर दी थी। आरोपी पिता ने अगले दिन रात को अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुलिस थाने में लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद दूसरे शनिवार को जब उसकी लाश गोंडल चौक के सामने झाड़ियों में मिली, शुरुआती जांच में पता चला कि उसके साथ इस हत्या वाली घटना को अंजाम दिया गया है। जिसके बाद पुलिस ने शिनाख्त के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो शनिवार दोपहर एक फुटेज मिला है जिसमें आरोपी पिता ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आरोपी तब तक फरार हो गया था, लेकिन लोकेशन मिलने पर राजकोट, वडोदरा, गांधीनगर और महसाणा की क्राइम ब्रांच की टीम एक्टिव हो गई थी। आखिरकार उसे शाम को महसाणा के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। सो दोस्तों बड़ी खबर थी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट को अपनी राय जरूर दें।